देख तो इतनी तेज रोशनी। फिर जहर जफरे कोई चाल, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ चिराग ही नजर आ रहा है। वक्त निकलता जा रहा है, इसलिए चिराग तक कैसे पहुंचूंगा। पुरानी चाले अब कब तक चलेगा जफर, लेकिन आज चाहे तू कितनी भी चाले क्यों ना चले, मैं अपने भाई का चिराग जहां से वापस लेकर ही जाऊंगा। जीनों की असली चिराग तक पहुंचने के लिए एक एक आईना तोड़ना पड़ा तो बहुत देर हो जाएगी। मेरे भाई जीनों जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है, मुझे कैसे भी करके असली चिराग तक पहुंचना होगा, पर कैसे? सोच सोच कि तू असली चिराग तक कैसे पहुंच पाएगा। लेकिन इतना याद रख लौंडे, सोच और हकीकत में बहुत फर्क होता है, और हकीकत ये है कि तू अपने भाई को नहीं बचा पाएगा। झूठ की दुनिया में रहने वालों की जुबान से हकीकत की बातें अच्छी नहीं लगती जफर। हकीकत ये है कि मैं सच और मोहब्बत के रास्ते पे चल रहा हूँ, जो थोड़ा लंबा है, बहुत मुश्किल है, पर डटे रहो तो मंजिल तक ले जाता है। मेरी मंजिल आ गई है जफर, और साथ साथ तेरा बुरा वक्त भी आ गया है। अच्छा, अब तू क्या करेगा? सुन हमारी बात, सुन तू मेरी बात सुन जफर, तू मेरी बात सुन। ये आईने, चाले, चलाकी, काले जादू, जितने हथियार इस्तेमाल करना है कर ले, पर इतना याद रखना कि मैं अपने भाई का चिराग तेरी नाक के नीचे से ले जाऊंगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं अलादीन, मारा भाई जल रहा है, और देख लो ए भाई सच के रास्ते पे सीधे चले जा रहा है, बहुत लंबे, बहुत आगे। दूसरा भाई मौत के रास्ते पे बहुत आगे निकल चुका है, कैसे बचाओगे अपने भाई को? भाई मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा जीनू, कुछ नहीं होने दूंगा। क्या जमाना आ गया है, एक भाई वहाँ चल रहा है और दूसरा भाई यहाँ घूसे लाते मार के शीशे तोड़ रहा है। वाह, चिराग कहाँ हो सकता है?
असली चिराग यही है अलादीन, और हमें जादुई पारा देने से बहुत करीब, लेकिन तू उस तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। हमेशा वाले भाई। जीना, तुम बिल्कुल बात मत करो। तुम बात करोगे तो दर्द बढ़ेगा। आराम करने की कोशिश करो। जीनू, जीनू के अंदर से निकलता हुआ जिन वाला जादुई धुआं बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसा अंगूठी छाप के आखिरी वक्त पे हुआ था। चाचा, चीनू, चीनू तेरा हमेशा वाला भाई बस अभी आता ही होगा। तब तक बस हिम्मत रख, हम सब है ना तेरे पास। चीनी मिनी, हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि हिम्मत हारने से जिंदगी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाती हैं। हाँ जीनी मिनी, देखना आई मेरा भाई अलादीन जीनू का चिराग लेकर जल्दी ही आता होगा। हिम्मत रखो। सुना तूने जीनू, गुल्लू भी यही कह रहा है कि अलादीन तेरा चिराग लेकर आता ही होगा। बस तब तक के लिए हिम्मत रख, मेरी खातिर मेरे बच्चे, हिम्मत रख। आराम कर मेरे बच्चे, अलादीन आता ही होगा। तेरा चीनू तेरा इंतजार कर रहा है। मेरा भाई मेरा इंतजार कर रहा है, पर मैं इसलिए चिराग को पहचानूं कैसे? क्या जमाना आ गया है? एक भाई वहां जल रहा है और दूसरा भाई यहां घूसे लाते मार के शीशे तोड़ रहा है। वाह, भाई जल रहा है यानी भाई का चिराग भी जल रहा होगा। का मतलब जिस भी आईने के पीछे जिनू का असली चिराग है वहां आग भी होगी। ये आईनों को ऐसे क्यों देख रहा है?
एक सवाल का जवाब दो वजीर नाला। फूफा कभी बुआ नहीं हो सकता, वो क्या है जिसके बिना धुआं नहीं हो सकता? पहेलियां बुझाने का वक्त नहीं है लड़के। वो तो अभी तो कौन सा बुझा पाते। चलो एक आसान सा सवाल पूछता हूं। इस दुनिया में तुम्हारे जितना कोई बेशरम नहीं हो सकता, वो क्या है जिसके बिना खाना गर्म नहीं हो सकता? लड़का क्या बकवास कर रहा है? आग के बिना धुआं नहीं होता, आग के बिना खाना गर्म नहीं होता, यानी यह लड़का समझ गया कि अगर उसका मोटा भाई जल रहा है तो उसका चिराग भी जल रहा होगा। फिर से इसने हद से ज्यादा होशियारी दिखाई। असली चिराग कहाँ है ये उसे कभी पता नहीं चलेगा। أشهد أن محمد رسول الله الله میرے رسول دعا میری کر دو जीनू, 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 कुल्लू ये काला रंग? चाचा, अंगूठी छाप का रंग तो उस तरह नहीं बदला था। जीनू मिनी, माना कि जीनू और अंगूठी छाप चिन्ह हैं, पर अलग-अलग हैं। जिस तरह सबकी जिंदगियां अलग अलग होती हैं, उसी तरह सबका आखिरी वक्त भी। मुझे कोई नहीं बचा पाएगा। चीनू, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो तुम? हाँ, अभी तो तुम्हें और चीनी मिनी, तू रहने दे। ये जीनू जो है ना, ये है ही बहानेबाज। नींद से जगाओ तो बहाना, कसरत करने के लिए कहो तो बहाना, और आज ये नया बहाना इसलिए क्योंकि क्योंकि ये मेरे बुढ़ापे का सहारा नहीं बनना चाहता, है ना? चाची जान, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप अम्मी। जीनू, तुम मुझे घुमाने लेकर गए, इसलिए शायरियां लिखी। लिखना पढ़ना नहीं आता, लेकिन मैं अपने दिल के जज्बात आप तक पेश तो कर सकता हूँ। मेरे लिए जादुई तालाब बनाया, हाथ का बना हुआ मिर्ची का हलवा खाया, चीनी मिनी,
साथ जीने मरने के वादे किए और अब आका तुम्हारा चिराग वापस लेकर आ रहे हैं और ये वादे निभाने का वक्त आ गया है तो तुम जाने की बातें कर रहे हो। जाओ जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। जीनी मिनी, मैंने तुझसे कहा ना, ये बहुत बड़ा बहानेबाज है। हाँ चाची जान, रहने दो इसे। ऐसा मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। और ये जलेबी, समोसे, शीर कोरमा, ये सब आप मुझको अपने हाथों से खिलाइएगा, इसे नहीं। अम्मी, अम्मी, आपके हाथ का बना शीर कोरमा दिन में खाऊंगा, ये नहीं। हाँ जीनू, तू जितना कहेगा, जैसे कहेगा, अपने हाथों से तुझे खिलाऊंगी। सारा का सारा प्यार सिर्फ तुझे दूंगी, सिर्फ तुझे। पर हम जिम्मेदारी देंगे। अलादीन, अलादीन, के पास आते ही सफर इस कदर पसीने पसीना होने लगा जैसे पिटक दूं, जैसे आसपास आग हो। होना इस आईने के पीछे आग है जिसमें जिनू का चिराग जल रहा है और की वजह से सफर का यह हाल हो रहा है। दुश्मन को पूरी तरह बेहाल करने का वक्त आ गया है। मुझे मेरे भाई का चिराग मिल गया। लौंडे ने असली चिराग ढूंढ लिया। अलादीन, हमने तुझसे बड़ा बेवकूफ आज तक नहीं देखा। इतने
इतने सारे शीशों के सामने होते हुए तू अपनी औकात को नहीं देख पाए? हर बार हार कर हमारे रास्ते में आकर खड़ा हो गया। पहले ही हार मान लेता तो बच जाता लौंडे, लेकिन तूने अपनी जिद छोड़ी नहीं, इसलिए अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। हिम्मत है तो सिपाही की तरह शमशीर से लड़, जुबान से नहीं। बेहतरीन, मैं जफर से नफरत करता हूँ, उससे ज्यादा अपने भाई से मोहब्बत। वो मोहब्बत जो मुझे हारने नहीं देगी। मैं जीत के रहूंगा, जिनू को वापस ला के रहूंगा।